नमस्कार देवी और सज्जनों, जय शिव शंकर। भोलेनाथ की आप सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। स्वागत है आपका आज का नाड़ी दोष के विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कुंडली में नाड़ी दोष क्या होता है और यह कैसे बनता है, और विवाह करते समय कुंडली मिलान में इसकी क्या भूमिका रहती है, और विवाह पश्चात इस दोष के क्या घातक परिणाम भी हो सकते हैं। तथा साथ ही मैं आपको बताऊंगा यह नाड़ी दोष कौन कौन सी राशियों पर लागू होता है और किन राशियों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि हमारे समाज में नाड़ी दोष को लेकर अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई है, जिसके कारण सामान्य जन इस बात को लेकर हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं और विवाह की बात करते समय मन में हमेशा एक डर बना रहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, नाड़ी दोष किसी भी कुंडली में पर्टिकुलर दोष नहीं होता है। यह तो लड़का और लड़की की विवाह हेतु मिलान करते समय कुछ ही कुंडलियों में बनता है, जिसकी चर्चा मैं अब आगे विस्तार से आपको बताऊंगा। भारत में विशेष रूप से हिंदू धर्म में जब भी विवाह प्रस्ताव का विचार किया जाता है तो इसमें सबसे पहले करने वाला महत्वपूर्ण कार्य कुंडली मिलान का ही होता है। लड़के और लड़के की जन्म कुंडली का मिलान उनके वैवाहिक जीवन की अनुकूलता, सफलता, वैवाहिक जीवन के अंतर्गत प्रेम खुशियाँ जानने के लिए शादी से पहले किया जाता है, ताकि उनमें किसी प्रकार का दोष ना हो और वे विवाह पश्चात सुखद दाम्पत्य जीवन जी सके, उनकी संतानें स्वस्थ हो और उनका आपस में तालमेल अच्छा बना रहे। कुंडली मिलान की प्रक्रिया के दौरान मंगल दोष तो दिखा ही जाता है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो है नाड़ी दोष। यदि यह दोष भावी वर और वधु के गुण मिलान में पाया जाता है तो यह विवाह मिलान मान्य नहीं होता है। तो आखिर क्या होता है यह नाड़ी दोष, इसे जानने का प्रयास करते हैं। हमारे ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार नाड़ी तीन प्रकार की होती है। ये नाड़ी होती है आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अनंत नाड़ी। प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा की किसी नक्षत्र विशेष उपस्थिति से उस व्यक्ति का नाड़ी का पता लगाया जा सकता है। कुल 27 नक्षत्रों में से किन्हीं 9 विशेष नक्षत्रों के अंदर चंद्रमा स्थित होने से व्यक्ति विशेष की एक नाड़ी होती है। गुण मिलान करते समय यदि वर और वधु की नाड़ी अलग अलग हो तो उन्हें नाड़ी मिलान में 8 में से 8 अंक प्रदान किए जाते हैं, किंतु वर और वधु की नाड़ी एक ही हो तो उन्हें गुण मिलान के अंतर्गत 8 में से 0 अंक प्रदान किया जाता है, और इसे ही नाड़ी दोष का नाम दिया गया। तथा इस दोष के लगने से शादी की बात आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, क्योंकि नाड़ी जो कि व्यक्ति के मन और मानसिक ऊर्जा का सूचक होती है और व्यक्ति की निजी संबंध उसके मन और व्यक्ति की भावना से ही तो नियंत्रित होते हैं। जैसे शरीर में वात, पित्त और कफ, इन तीनों प्रकार के दोषों की जानकारी कलाई पर चलने वाली नाड़ी से पता लगाया जा सकता है। उसी प्रकार अपरिचित व्यक्तियों की भावनात्मक लगाव की जानकारी उनके आदि, मध्य और अनंत नाम की नाड़ी से पता लगाया जा सकता है। वैदिक ज्योतिष का मानना है कि नाड़ी दोष होने के बाद यदि विवाह कर दिया जाए तो दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी को कई तरह के शारीरिक रोग होने की आशंका बनी रहती है, और उनकी संतानों में भी रक्त संबंधी कोई गंभीर रोग उत्पन्न हो सकता है, और कई मामलों में ऐसे दंपतियों को संतान सुखी नहीं मिल पाता। इसीलिए नाड़ी दोष पर विशेष चर्चा की जाती है, क्योंकि जनरली देखने में आया है जिन व्यक्ति की कुंडली में नाड़ी दोष होता है उन्हें विवाह पश्चात संतान प्राप्ति में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती है। लेकिन नाड़ी दोष आने पर कुछ विशेष परिस्थितियों में नाड़ी दोष स्वयं ही नष्ट हो जाता है, या यूँ कहें उस परिस्थिति में नाड़ी दोष लागू होता ही नहीं है। जैसे यदि वर और वधु की एक ही राशि हो लेकिन के जन्म नक्षत्र अलग अलग हो, या फिर वर नक्षत्र का जन्म नक्षत्र तो एक हो लेकिन राशियां भिन्न भिन्न हो, तो उन पर नाड़ी दोष आने पर भी नाड़ी दोष लागू नहीं होता है। इसके अलावा हमारे समाज में बहुत बड़ी गलतफहमी या फिर यूँ कहें कि भ्रामक भ्रांतियाँ फैली हुई है कि नाड़ी दोष तो सिर्फ ब्राह्मण वर्ग की जातियों पर लागू होता है, अन्य कुल या जाति में जन्म लेने वालों पर नाड़ी दोष लागू नहीं होता है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ब्रह्मांड में उपस्थित ग्रह और नक्षत्र किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते। उनका असर तो किसी भी जाति, वर्ण या कुल में जन्म लेने वाले व्यक्तियों पर अलग अलग नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको समझने और समझाने में कुछ ज्योतिषियों ने भूल की है। दरअसल जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में 4 वर्णों को बांटा गया है, इसी प्रकार 12 राशियों को भी 4 वर्णों में बांटा गया है। ठीक वैसे ही जैसे राशियों के 4 तत्व होते हैं, अग्नि, जल, वायु और भूमि तत्व होते हैं, उसी प्रकार 4 राशियों के वर्ण भी होते हैं, यानी कि ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। इसका हमारी जन्म लेने वाली जातियों से कोई लेना देना नहीं है। कर्क, वृश्चिक और मीन वाली राशियाँ ब्राह्मण वर्ग की राशियाँ मानी गई है,
और मेष सिंह धनु वाली राशि क्षत्रिय वर्ण की मानी गई है। वृषभ कन्या मकर राशि वैश्य वर्ण की है तथा मिथुन कुंभ और तुला राशियां वाली शूद्र वर्ण की राशियां मानी गई है। इनमें से जो ब्राह्मण वर्ण की जो राशियां हैं उन पर ही नारी दोष लागू होता है। अर्थात जिन व्यक्तियों की यानी कि जिस लड़का और लड़की की कर्क वृश्चिक को मीन राशि है उन पर ही नाड़ी दोष लागू होगा, बाकी की राशियों पर नाड़ी दोष आने के पश्चात भी नाड़ी दोष लागू नहीं होगा। और इसके अलावा यदि आपने किसी भी जाति या कुल में जन्म लिया है और विवाह करते समय यदि वर वधु की यदि कर्क वृश्चिक को मीन राशि है तो उन पर नाड़ी दोष अवश्य लागू होगा। इसके अलावा अन्य राशियों में जन्म लेने पर नाड़ी दोष कच्चिन आ भी जाए तो इन राशियों पर नाड़ी दोष स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, या फिर यूं कहें इन पर नाड़ी दोष लागू ही नहीं होता। वैसे भी मैंने अपने ज्योतिष के कार्यकाल में हजारों कुंडलियों का मिलान किया है तथा यह देखा है केवल नाड़ी दोष के उपस्थित होने मात्र से ही विवाह में कोई गंभीर समस्या पैदा नहीं होती है। ऐसे बहुत से वैवाहिक जोड़े की कुंडलियाँ मेरे पास है जहाँ पर कुंडली मिलान के समय नाड़ी दोष तो बनता है किंतु फिर भी ऐसे विवाह वर्षों से लगभग हर क्षेत्र पर सफल है। इसका कारण यह है कि लगभग इन कुंडलियों के अंदर वर वधु की कुंडलियों में जो ग्रहों की अन्य स्थितियाँ थी वो अत्यधिक शुभ अवस्था में थी, जिसके कारण नाड़ी दोष का प्रभाव कुंडलियों पर लगभग समाप्त हो गया। क्योंकि नाड़ी दोष के बारे में कहा जाता है कि संतान प्राप्ति में दिक्कत आती, लेकिन भावी वर वधु की कुंडली में यदि पंचम भाव और पंचमेश मजबूत हो तो संतान प्राप्ति में दिक्कतें नहीं आती है। इसीलिए यह बात ध्यान देने योग्य है किसी भी कुंडली में किसी भी ग्रह द्वारा बनाया गया विवाह संबंधी कोई शुभ अशुभ योगी गुण मिलान करने वाले दोषों की तुलना में बहुत अधिक प्रबल होता है। इसीलिए विवाह मिलान के लिए उपस्थित संभावित वर वधु को केवल नाड़ी दोष बन जाने के कारण ही आशा नहीं छोड़नी चाहिए तथा अपनी कुंडली का गुण मिलान के अलावा अन्य विधियों से पूर्णता मिलान अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि इन कुंडलियों में आपस में मिल जाने से नाड़ी दोष और गुण दोष से बनने वाला ऐसा कोई भी अन्य दोष ऐसे युवा विशेष में कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि युवा की बात करते समय गुण मिलान एवं ग्रह मिलान अवश्य कराना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हों। यदि आप अपना या अपने बच्चों का विवाह है तो कुंडली मिलान मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर से पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं और पूरी डिटेल बताने के पश्चात मेरे द्वारा आपको एक व्हाट्सएप में लिखित कॉपी भी सेंड कर दी जाएगी। इसके अलावा यदि आपका विवाह होने में किसी प्रकार की रुकावटें अड़चनें आ रही है और अनेक उपाय करने के पश्चात भी अभी तक आपका विवाह नहीं हो पाया है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। मैं आपको उपाय द्वारा शीघ्र विवाह होने की कामना करता हूं और आपको उपाय बताऊंगा। धन्यवाद।